हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अ गुड पोयम विंड फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। दिस पोयम वाज कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। एक्चुअली इसका जो रियल वर्जन है वो तमिल में है, जिसको एके रामानुजन ने लिखा है और सुब्रमण्य भारती ने इसका ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये पोयम यहां पर ही क्यों रखा गया, यानी कि सेकंड चैप्टर के बाद इसको क्यों रखा गया। तो मैं इसके विषय में कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पहला जो सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें पहला कैरेक्टर है एवलिन ग्लैनी और दूसरा कैरेक्टर है बिस्मिल्ला खान। आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि एवलिन ग्लैनी पूरी तरह से डेफ एंड डम थी और उसकी ये वीकनेस थी जिसकी वजह से अगर वो संघर्ष करके आगे ना बढ़ी होती तो उसकी पहचान ही समाप्त हो जाती। और बिस्मिल्ला खां के साथ भी कुछ यही था, वह आर्थिक रूप से बड़े ही कमजोर वीक फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका प्रयास, उनका संघर्ष ही है जो उन्हें विश्व का सबसे शानदार शहनाई मैस्ट्रो बना के छोड़ा। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में ये पोयम इस ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब हम संघर्ष करके उसमें तप के उस प्रॉब्लम से लड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी एक पहचान बनती है, और अगर हम लड़ने से पीछे हट जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हमें समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस पोयम में सुब्रमण्यम भारती ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में बहुत से चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं और यदि हम उसमें कमजोर पड़ते हैं तो हम दिए के समान, जैसे हवा चलती है और दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार हमें समाप्त कर दिया जाता है। और यदि हम आग के समान, एक भयंकर आग की समान जब जलते रहते हैं तो हवा उसे और भड़का देती है, यानी कि जब हम ताकतवर बने रहते हैं, हम संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं पाता, हमें कोई दबा नहीं पाता और हम आगे बढ़ जाते हैं और अपना पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस पोयम में आइए हम देखते हैं कि सुब्रमण्य भारती ने क्या कहा। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सन। यहाँ पे पहले फोर लाइन को हम देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोएट कहता है कि विंड कम सॉफ्टली, आराम से आओ, धीरे धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के, शटर्स मीन्स डोर, उसके जो डोर हैं उसको तोड़ो मत, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्केटर द पेपर्स, और जो पेपर्स टेबल पे रखे गए हैं उसे स्केटर, इधर उधर फैलाओ मत, डोंट स्केटर्स द पेपर्स, उसे इधर उधर फैलाओ मत, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो शेल्फ में, कपबोर्ड में, कपबोर्ड में बुक्स रखे गए हैं उसे नीचे मत गिराओ, थ्रो डाउन मीन्स पुल डाउन, यानी कि नीचे मत गिराओ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। फिर यहां पे पोएट कहता है कि ओ विंड, देखो तुमने क्या किया, लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया, तुमने सभी चीजों को बिखेर दिया, जो कपबोर्ड में बुक्स रखे गए थे, जो पेपर्स टेबल पे थे, सबको तुमने बिखेर दिया, देखो तुमने क्या किया, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताब के पेजेस को भी फाड़ दिया है, यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखो तुम्हारी वजह से बरसात
पुनः आ गई है, बरसात पुनः आ गई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स होता है वीक पीपल, वीक पीपल। एंड पोकिंग फन मीन्स होता है टू मेक फन, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना। तो यहां पे कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर, यहां पे पोएट कहता है कि ओ विंड तुम बहुत ही चालाक हो और तुम कमजोर लोगों का मजाक बनाते हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक बनाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल मीन्स होता है दुर्बल, कमजोर, वीक, यानी कि दुर्बल, जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। यहां पे फ्रेल का मतलब कमजोर या दुर्बल है। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स होता है ब्रेक, क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि तोड़ जाना या टूटा हुआ। कह रहे हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, देखो तुम दुर्बल यानी कि कमजोर घरों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम ओविंड तुम दरवाजों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और तुम दरवाजे की कड़ियों को तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम्हारी वजह से लोग डर जाते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं, तुम्हारी वजह से लोगों का जीवन समाप्त हो जाता है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और लोग अपना हृदय खो बैठते हैं, यानी कि वो जीने का साहस खो बैठते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं। देखो तुमने क्या किया। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। फिर आगे पोएट कहता है इस लाइन में कि जो विंड गॉड है, यानी कि जो विंड है, वह सभी चीजों को अपने से, अनाजों को अलग कर देता है, यानी कि वो हवाओं की तरह उसे बहा ले जाता है। और बहा ले जाता है और उन्हें अपने अंदर क्रश कर देता है, यानी पूरी तरह से समाप्त कर देता है। He won't do what you tell him। यहां पे ये वर्ड ही विंड के लिए यूज किया गया है। कहा जा रहा है He won't do what you tell him। वह नहीं करेगा, यानी कि विंड हमारे मन की नहीं करेगा, वह तो अपने मन की करेगा। वह हमारी बातों पर ध्यान नहीं देगा, हम जो उससे कहेंगे वह वैसा कुछ भी नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आओ हम सभी, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और अपने घर के दरवाजों को मजबूत करें, उसे मजबूती से बनाएं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत कर बनाने के लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारा शरीर कमजोर होगा, जब हम कमजोर होंगे, जब हम वीक होंगे, तो कोई भी ताकतवर चीज जैसे कि हवाएं हमें बहा ले जाएंगी, हमें उड़ा ले जाएंगी। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और साथ ही शरीर के साथ हमें अपने हृदय को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमारा समाप्त होना तय हो जाता है। इसलिए हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमें बॉडी और हृदय, यानी कि शरीर और मन, हृदय से दोनों से मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम मजबूती के साथ इस हवा यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं।
डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अब आगे पोएट कहता है अगली चार ये पांच लाइनों में कि ऐसा करो, जब तुम अपनी बॉडी और हार्ट्स को मजबूत कर लेते हो तो ये जो हवा है वह हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विंड होती है, जो समस्याएं होती हैं, यहाँ वे विंड को प्रॉब्लम्स की तरह लिया गया है, प्रॉब्लम्स की तरह इंडिकेट करके इसको यूज किया गया है। कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कमजोर लोगों को, आउट वीक फायर्स, इट मीन्स वीक फायर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वीक पीपल को, वीक पीपल को इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है कि जो हवाएं होती है, जो समस्याएं होती है, कमजोर लोगों को, दुर्बल लोगों को समाप्त कर देती है। ब्लोज आउट, ब्लोज आउट में मतलब बुझा देना, यानी को उन्हें समाप्त कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वह जो तीव्र आग होती है, जो ज्वलित आग होती है, बहुत तेजी से जल रही होती है, उसे वह रोर एंड फ्लरिश उसे और भड़का देती है। यानी कि जब जो ताकतवर इंसान होते हैं, जो मन से शरीर से मजबूत होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स कोई समस्या नहीं देती, बल्कि उन्हें और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ कर देती है, मजबूत बना देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आग जो होती है उसको, तीव्र आग जो तेजी से जलने वाली आग है, उसको हवा और भड़का देती है, उसको और बढ़ा देती है, न कि उसको बुझा पाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। फिर यहाँ पे पोएट कहता है लास्ट के दो लाइन में कि हवा की मित्रता यानी कि विंड की मित्रता अच्छी होती है और हमें उसका प्रत्येक दिन अप्रिशिएट करते हैं, हम उसकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। ये पोयम बहुत ही शानदार पोयम है और इसमें पोएट ने जो बताने का प्रयास किया कि ताकतवर लोगों का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उन्हें झुका नहीं पाती, उन्हें समाप्त नहीं कर पाती, लेकिन जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उन्हें समस्याएं, प्रॉब्लम्स कमजोर बना देती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम पसंद आई होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी वीडियोज नोटिफिकेशन विल रीच यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।